सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपके लास्ट वीडियो में बात करा था, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं कुछ मुट्ठी भर लोग जिनके साथ आईपीसी का फ्रॉड हो चुका है। तो वो लोग बताएंगे कि कैसे उस फ्रॉड में वो लोग शामिल हुए, कैसे उनके साथ ये स्कैम हुआ, और सबसे जानेंगे वन बाय वन के कितने किसके पैसे गए हैं, कैसे ये टोटल उनके साथ घटना हुई, कैसे स्कैम हुआ। आगे चल के मैं कुछ करने वाला हूँ तो वो बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, और उसपे भी एक थर्ड वीडियो आएगी कि कैसे इन लोगों से स्कैम हुआ, तो मैंने क्या एक्शन लिया है, और जिन लोगों ने भी स्कैम करा है अगर वो वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल ये ना सोचे कि वो बच गए हैं। तो जानते हैं वन बाय वन करके पूछता हूं मैं कि किसके साथ कितना स्कैम हुआ है और कितने पैसे किसके गए। तो यहाँ पर अश्मी जी आपको दिख रहे हैं। अश्मी जी बताइए कि आप कैसे इस स्कैम में फंसे और कितना पैसा आपका गया और कितने आपको सजेशन दिया और क्या आपको कोई प्रॉफिट हुआ इसमें अभी तक। बेसिकली क्या हुआ कि जब मेरे को इसके बारे में पता चला कि आईपीसी कंपनी कनाडा से रजिस्टर्ड है जो इंडिया में आ रही है, उसने सब जगह अपने आप को रजिस्टर कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए वेबसाइट के ऊपर, एंड समवन ऑफ माई नोन जो मुंबई में रहते हैं उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो मैंने सारी डिटेल चेक करी, सब कुछ रजिस्ट्रेशन था, तक कि फिल्टर के सर्टिफिकेट तक थे उसके पास। अच्छा, तो मतलब आपको मुंबई में किसने बताया था रजिस्ट्रेशन? मतलब मेरे नोन है, उनका नाम पंकज। पंकज, पूरा नाम बताइए, क्या नाम है उनका? वो दिल्ली एयरपोर्ट पे है, पंकज नागिला, और मुंबई के थ्रू उनसे उनका मेरे से बात हुई। अच्छा, तो जो उनके अपलाइन थे जी उसके थ्रू मेरे कॉन्टेक्ट में आए वो। नाम क्या है उनका? मुंबई वालों का नाम मुझे ध्यान नहीं, क्या नाम उनका। अच्छा, कितने पैसे इन्वेस्ट करे टोटल आपने इस प्लेटफॉर्म में? मैंने $2,092 इसमें इन्वेस्ट करे, प्लस $1,035 के आसपास मेरे ब्रदर के। अच्छा, INR में कितने हो रहे हैं इंडियन करेंसी में? 3 लाख रुपए के आसपास है। 3 लाख रुपए। तो आपने ये पूरे पैसे एक साथ करे या शुरुआत में कम अमाउंट करी थी जिसमें आपको प्रॉफिट दिखाया गया, तो आपने बाद में करे, एक साथ ही कर दिया आपने? ये मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट करा, एक साथ इन्वेस्ट नहीं करा। मतलब आपको छोटे छोटे प्रॉफिट दिखाया गया? बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि होता है क्या, इन प्लेटफॉर्मों में पैसा रोटेट करते हैं, ठीक है, एक बंदे ने पैसे डाले फिर दूसरे ने डाले, फिर सब विड्रॉल तो एक साथ लेते नहीं है, किसी ने $1,000 कर दिया उसे हम $300-$200 विड्रॉल देना है, बाकी विड्रॉल उसका होल्ड पे रखना है और पैसा रोटेट करना है, तो ये लोग काम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सैफ आप बताओ कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और किसके कहने पर किया था और क्यों किया आपने ऐसा, मतलब कुछ रिटर्न मिला था आपको? मेरा लगभग 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया था मैंने, और जैसे कि अश्मी भाई ने बताया कि इनको किसी ने बताया था, तो ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो हम सब साथ के एक ही ग्रुप के हैं, तो मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे है, तो उसके हिसाब से मैंने भी देखे कि हाँ इनको प्रॉफिट आ रहा था, तो वो प्रॉफिट देखते हुए मैंने भी अपने 2 लाख रुपए के करीब इसमें इन्वेस्ट किए थे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही आपका 2 लाख का हुआ था या आपने छोटे से शुरुआत करी थी? मैंने छोटे से शुरुआत करके मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला था, जैसे एक बार में 50,000 फिर 50,000 और ऐसे करके मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। अच्छा, लगभग मैंने एक हफ्ते के अंदर मेरे पैसे उसके अंदर सारे डाल दिए थे। मतलब अश्मी भाई ने 3 लाख रुपए डाल दिए, आपने 2 लाख, टोटल अमाउंट अभी तक का सिर्फ जो मुट्ठी भर लोग मेरे पास है उनका अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपए हो चुका है जी, ठीक है। बात करूंगा मैं आखिर से, आखिर आप बताए कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे की, किसके कहने पे की, और अभी तक कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है आपने? एक्शन तो नहीं लिया, हम सब जैसे सैफ ने बताया हम सब एक ही ग्रुप के, एक ही साथ हैं, हमारा रहना सहना, मतलब आप लोग एक ही कॉलोनी के हैं बेसिकली, एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, और एक दूसरे के रेफर पे, एक दूसरे के कहने पे कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है, चल तू भी थोड़ा इन्वेस्ट कर, तुझे भी थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, इस तरीके से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, एक दूसरे का प्रॉफिट देगा, जैसे सबका आ रहा है, फिर अपने अंदर भी आया लालच की, चलो हमें डालते हैं लालच, इन द सेंस आप लोगों को शुरुआत में जब आप लोगों ने छोटे डिपॉजिट किया तो उसका रिटर्न मिला आप लोगों को, रिटर्न मिलने के बाद ही आपने इन्वेस्ट करा या मतलब देखते ही आपने इन्वेस्ट कर दिया? रिटर्न मिला लेकिन विड्रॉल किसी ने नहीं दिया। अच्छा, मतलब आपको अकाउंट के अंदर शो हुआ कि आपका इतना प्रॉफिट बन चुका है बट वो विड्रॉल नहीं हुआ आपका? तो देखो होता क्या है, ऐसे प्लेटफॉर्म में ये प्रीडिफाइंड स्क्रिप्ट होती है, मैं अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप मेरी बात समझोगे कि प्रीडिफाइंड स्क्रिप्ट होती है, इसमें आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ डॉलर भी दिखा सकते हो, दिखाने में क्या जा रहा है। जब बारी विड्रॉल की होती है तो वो एक्शन जो होते हैं वो बैंक के थ्रू लिया जाते हैं, जब पैसा होगा ही नहीं, ठीक है। होता क्या है, आप अगर किसी एक्सचेंज, किसी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम कर रहे हो या किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आपका पैसा फंसा हो, तो इसमें होता क्या है, एप्लीकेशन में हम जो पैसा दिखाया जाता है ना वो पैसा हमारा नहीं होता, वो जब तक एडमिन उसको अप्रूवल नहीं देगा विड्रॉल के, तो पैसा, और इनके केस में भी यहाँ पर ये हुआ है कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो तो मेन अकाउंट में, मदर जो मदर कंपनी का पैरेंट अकाउंट था उसमें चले गए, लेकिन जब इनके अकाउंट में शो होता विड्रॉल देना बंद कर दिया कंपनी ने। तो यहाँ पर अजमत आपके साथ भी यही सीन हुआ है?
हाँ यही सीन हुआ है, मतलब आसिफ भाई को मामा ही है तो रेकमेंड यही किए थे और रश्मि भाई को भी जानते थे। कितना पैसा इन्वेस्ट करा आपने? तो मेरा पर्सनल 1.5 लाख के करीब है एंड सिर्फ पेरेंट्स का, पापा का 2 लाख है, मामू का अराउंड 3 लाख है। अच्छा, एंड मेरे भाई का 1 लाख है। अच्छा, तो मतलब ऐसे करके और एक दो बंदे मिलाकर 6-7 लाख रुपए इस सर्कल के अलावा आपके सर्कल में 6-7 लाख रुपए। अभी तक जो है अमाउंट जो है 13-14 लाख के ऊपर जा चुका है अमाउंट यहाँ पर। तो एक चीज आप लोग मुझे सब बताइए वन बाय वन कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट एक कितना टाइम हो चुका है विड्रॉल बंद हुए, प्लेटफॉर्म वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, मार्च 24 से आपको बंद कर दिया, तो टोटल अभी 1 साल होने वाला है, 8-9 महीने होने वाले हैं इसको। वेबसाइट ही गायब हो चुकी है, विड्रॉल बंद कितने दिन पहले हुआ था अगर विड्रॉल की बात करो? 24 मार्च ही को बंद कर दिया, विड्रॉल तब बंद हुआ था, प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली गायब हुआ है, 1 मंथ पहले आपको ये हुआ। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट कब की थी आपने अगर आज से बात करो? जनवरी फरवरी, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है इन्वेस्टमेंट कर रहे आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले तकरीबन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई थी और मार्च में विड्रॉल। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको ऐसे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, अभी कुछ मुट्ठी भर लोग आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही पैन इंडिया में और लोग होंगे। होता क्या है, माल्टा में, अफ्रीका में, क्यूबा में कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं। अब तो रिसेंट जो स्कैम चल रहा है दुबई में कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, क्योंकि कहीं जगह पर इंडिया का एप्लीकेबल जो लॉ है वो नहीं होता है, कहीं जगह पर लॉ चेंज हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज बन जाती है। तो ये लोग कंपनी क्या करती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी मिनिमस ही होती है, लोग फॉलो करते हैं और कंपनी वाले रजिस्टर के दिखाते हैं ऐसा है कि देखो हम बाहर की कंपनी है, और लोकल ग्रुप्स बनाते हैं ये लोग और रेफर बेसिस पे काम चलते हैं। हो सकता है इन्हीं के जान पहचान में कोई हो जो इस स्कैम से जुड़ा हो लेकिन इन्हें भी ना पता हो। तो ये होता है एक पॉलिश का जो प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाया जाता है जहां पर जो है यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट था इन्वेस्टमेंट के बिहार पे ये लोग जो दिखाते हैं कि आपका पेनल इतना बन चुका है प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन वहां पर विड्रॉल एक टाइम पे लोग रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि पैसा जो है बहुत वॉल्यूम में जिन लोग जो है डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि लोग विड्रॉल देना बंद कर देते हैं। जब इन लोगों का टारगेट होता है कि हमें 3 करोड़ का स्कैम करना है, 4 करोड़ का करना है, या एक लिमिटेड अमाउंट आ गया, एक बैंक भी एक चीज होती है कि इतना अमाउंट पैसा आपके अकाउंट में, उसके बाद बैंक भी लेने से मना कर देता है। तो जहां से इन लोगों को इंडिकेशन था वहीं ये लोग भाग जाते हैं। तो इन लोगों के साथ ऐसा हुआ, जनवरी फेब में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा, मार्च में इनका विड्रॉल रुक गया, और अभी राइट नाउ अक्टूबर नवंबर के बीच में ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं, एक्सिस्ट नहीं करता। तो तकरीबन 1 साल की इस जर्नी में अगर मोटा मोटा यहाँ पर बात करो, अजमी भाई आप बता रहे थे मुझे अभी रिसेंटली बिहाइंड द वीडियो कि यहाँ पर तकरीबन आपको जो मुंबई के कुछ है उन्होंने पैनल दिखाया था आपको कि कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, मुंबई के एक हैं मिस्टर राजेश महाजन जी। अच्छा, राजेश महाजन जी ये कौन है और आपको कैसे मिले? बेसिकली क्या था कि ये कंपनी को लेके आए थे, जिन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया इस कंपनी को, मतलब इंडिया में इस कंपनी को ये लेके आए थे। हाँ, मतलब आपको ऐसा दिखाया गया कि कंपनी यहाँ की नहीं है। हाँ, ये कंपनी इंडिया में मैं लेके आया हूँ, कनाडा से कंपनी। अच्छा, उन्होंने अपनी वीडियो में जब उनकी मीटिंग चल रही थी रूम पर, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली इस चीज को बोला था। अच्छा, कि हाँ मेरा फेस देख लो आप, मैं इस कंपनी का पूरा गारंटी लेता हूँ, मतलब एक तरीके से ये कंपनी की फेस वैल्यू मैं ही हूँ, कंपनी मेरी ही समझ लो, एक तरीके से विश्वास दिलाने के लिए आपको कहा था। बिल्कुल। अच्छा, उनकी वीडियो में कई बार ये चीजें बोली गई, फिर उनकी एक मीटिंग थी उसमें उन्होंने कंपनी का अकाउंट दिखाया, जब उन सबके विड्रॉल रुक गए थे तो कंपनी का उन्होंने अकाउंट दिखाया कि इस कंपनी में 4 करोड़ USDT पड़े हैं, दूसरे अकाउंट में 4 करोड़ USDT, दूसरे उस अकाउंट में 2 करोड़ USDT पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कंपनी का पैसा, मतलब ये कंपनी का पैरल में आपको दिखाया गया किसी बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं? इसी एक्सचेंज के अंदर दिखाया, एक्सचेंज होता है जैसे वजीरएक्स हो गया, क्रिप्टो कोई एक्सचेंज होगा। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि किसी भी जो पैरल होता है, मैं अभी प्री डिफाइंड एक स्क्रिप्ट अपलोड कर दूं अपने सर्वर पे PHP की और उसमें मैं आपको $10 करोड़ दिखा दूं, लेकिन वो सिर्फ वर्चुअल ही होंगे, उनका फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, और ना ही तो मैं वो किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ना ही तो विड्रॉ कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसा ही अजमी जी के साथ हुआ, यहाँ पर उनको विश्वास दिलाया गया कि आप इन्वेस्टमेंट करो और मैं इसके जिम्मेदारी लेता हूँ। अब वो पर्सन आपके टच में है? बेसिकली टच में तो नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, जूम मीटिंग पे कॉन्टेक्ट में थे हम लोग। कॉन्टेक्ट नंबर है उनका? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर सबके पास है। अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर सबके पास है। अच्छा, तो आप लोगों का पूरा सबका मिला के मोटा मोटा कितना पैसा गया, अगर मैं तुलना करना चाहूँ? आपका गया 3 लाख 2 लाख 7 लाख तकरीबन 14 लाख हो गए, आपका 1.5 लाख 1.5 लाख 15 लाख 50 हजार 16 लाख रुपए 5.5 लाख तकरीबन 22 लाख रुपए हो गए। और इस कैमरे के बिहाइंड जो खड़े हुए जो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते
उनके भी तकरीबन 3 लाख रुपए हैं, टोटल 25 लाख। और इस कैमरे के एक और बिहाइंड जो अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं उनके भी जो है 1.5 लाख है, तकरीबन 27-28 लाख रुपए। और जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है उस बिल्डिंग के तकरीबन 7 से 8 लोगों का इसमें पैसा फंसा हुआ है, तो तकरीबन 45 लाख रुपए जिनके गए वो मेरे साथ मौजूद है इस टाइम पे ऑफिस में। ठीक है, कुछ लोग कैमरे के सामने आना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं। अच्छा, ये वीडियो में जो आप लोग आए हैं क्या मैं जबरदस्ती आप लोग गए, आप सच बोल रहे हैं मतलब सिर्फ कंपनी के बारे में ऐसे ही बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। आप लोगों का पैसा गया है, अकाउंट है आप लोगों के पास, लॉग इन कर पा रहे हैं आप अकाउंट में? नहीं, लॉग इन नहीं कर पा रहे। तो अभी तक 1 साल हो गया है, 1 साल में इस कंपनी ने जो है पहले विड्रॉल बंद करा तकरीबन मार्च में, जैसा कि इनका कहना है, फिर मार्च अभी अक्टूबर चल रहा है, तकरीबन 6 महीने बाद इन लोगों ने वेबसाइट डिलीट कर दी है, ऐप स्टोर पे से प्ले स्टोर पे से अपना एप्लीकेशन डिलीट कर दिया, तो इन लोगों के पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। अब इसके बाद होगा क्या? देखिए, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इसके अलावा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का वीडियो देख के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें कुछ लोग हैं, तो टोटल 50-60 लोग हैं और जिसमें से 30-40 लोग एफआईआर करने के लिए रेडी हैं राइट नाउ। तो अगला प्रोसीजर क्या होगा, कैसे इस पे स्टेप लिए जा रहे हैं, एक्शन क्या लेने वाला हूं मैं, वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को वो लोग भी देखेंगे जो स्कैम में शामिल है, जिन लोगों ने स्कैम को अंजाम दिया है और जिन लोगों का पैसा डूबा है, किसी का सेविंग्स थी, किसी के शादी के पैसे थे, किसी की प्रॉपर्टी थे, किसी के मवाब के पैसे थे। तो देखो, जो लोग भी ये स्कैम कर रहे हैं, ठीक है, रुकने दो वाले तुम लोग होली को, तुम लोग बेशरम हड्डी हो, मुझे पता है, सलाखों के पीछे जाके ही तुम लोग मांगो और इस वीडियो को हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद यहाँ पर एफआईआर फाइल होगी, उसका पूरा प्रोसीजर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपडेट करूंगा और एक शॉर्ट वीडियो जब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा एफआईआर फाइल करने के बाद तो उसका भी मैं अपलोड करूंगा। इस पे पूरी जो एक्शन हो रहा है, पूरा जो जर्नी है इस वीडियो की आईपीसी स्कैम और फ्रॉड की, वो पूरा मैं आपको अपडेट करूंगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपनी राय बताएं और जिन भाइयों को इस वीडियो में मिस हो गए और जो भाई एफआईआर करना चाहते हैं वो आए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनाऊंगा और इन पे एक्शन ले जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।